डॉक्टर जो मौत के मुंह से मरीजों को बचाते हैं, डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज वही डॉक्टर के साथ इस तरीके से हैवानियत और हत्या की तस्वीर सामने आई है, जिससे पूरा देश हिल गया है, जिससे सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। आज इसी घटना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पूरे देश भर में जो है 24 घंटे बंद का आह्वान किया है। और ये आह्वान उस महिला डॉक्टर मोमिता देवनाथ की हत्या और जिस तरीके से उनका बलात्कार किया गया था, उनको न्याय दिलवाने के लिए किया गया है, हर एक डॉक्टर की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। राज्य सरकार से, तमाम केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है कि डॉक्टरों की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जहां ऑन ड्यूटी एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके से दरिंदगी और इस तरीके से उनकी हत्या की गई, जिसने पूरे देश के आंखों में आंसू ला दिया, जिसके कारण पूरा देश आक्रोशित हो उठा है, उसी के लिए आज पूरे देश भर में जो है डॉक्टरों का हड़ताल, 24 घंटे हड़ताल बुलाया गया है IMA द्वारा, या 24 घंटे बंद का आह्वान किया गया है। इसी के लिए आज हम पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी के जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में। यहाँ पर भी डॉक्टर जो है लगातार हड़ताल कर रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस को लेकर, यहाँ पर नारे को लेकर यहाँ पर जो है डॉक्टर मोमिता देवनाथ के लिए यहाँ पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। জমায়েত হয়েছে, আমরা 9 তারিখে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার প্রতিবাদে আমরা সবাই জমায়েত হয়েছি। উই আর শাউটিং, উই আর রেজিং আওয়ার ভয়েস, ও যেন ন্যায্য বিচার পায়। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা যেন সবাই সুরক্ষিত থাকি যখন আমরা নাইট ডিউটি করি, শুধু ডাক্তার নয়, আমাদের নার্স দিদিরা যারা IT সেক্টরে কাজ করেন, যারা সাংবাদিকতার পেশায় আছেন, অর্থাৎ যারা রাত্রে বেরোন, সবাই যেন সুরক্ষিত থাকেন, এটাই আমাদের দাবি, আর কিছু না। ধন্যবাদ। শুধু আমি একজন সিনিয়র ডক্টর, তো আমি ডক্টর প্রিয়াক্ষী, তো এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রফেশন পরে ও মেয়ে একটা আগে ছিল, তাই না? একটা আমরা যদি এই আজকে 78 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে যদি মানুষ না হতে পারি, একটা মানুষ একটা মেয়ের সাথে ওর কর্মস্থলে এত মানে ইনহিউম্যান ভাবে ওর সাথে এমন দুষ্কর্ম করতে পারি, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে হিউম্যানিটিটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। তো প্রথমে আমার একটাই ডিমান্ড যে হ্যাঁ, জাস্টিস অবশ্যই হওয়ার কথা, যে চলে গেল তার জন্য জাস্টিস, আর আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ইনসিডেন্ট করার আগে মানুষের একটা ভয় থাকে, এই ধরনের ক্রাইম করার আগে, আগেও হয়েছে, অ্যাটলিস্ট আগে আগামী দিনে যাতে আমরা এই ধরনের ইনসিডেন্টের কথা খবর না পাই, তার যাতে তার ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়, যাতে একটা শক্ত ল হয় আমাদের দেশে, যাতে একটা ডেফিনেট এই ধরনের ক্রাইমের একটা পানিশমেন্ট হয়, যাতে মানুষ এই ধরনের ক্রাইমের দিকে ভাবনা চিন্তা করলেও তার মাথায় ওই ভয়টা যাতে থাকে। तो जिस तरीके से बार बार हर एक महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से पूरा देश यह सवाल कर रहा है कि क्या 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद भी महिलाएं देश में सुरक्षित है, क्या महिला सुरक्षित है, क्या महिला अकेले बाहर निकल सकती है, जहां पर ऑन ड्यूटी एक महिला के साथ कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस तरीके से दरिंदगी और जिस तरीके से हैवानियत की तस्वीर सामने आई है, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस विषय पर आज हम यहाँ के जो लोग डॉक्टर, जो IMA द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया उसमें जिन डॉक्टरों ने भाग लिया है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिला अस्पताल में जो है कई सेवाएं बंद कर दी गई है, क्या इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर चालू है, इसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टरों से। मेरा नाम डॉक्टर संदीप रॉय है। हॉस्पिटल में आज कौन कौन सी सेवाएं बंद है, क्या पूरे तरीके से हॉस्पिटल को बंद रखा गया, सभी सेवाएं बंद रखी गई है? नहीं, सारी सेवाएं बंद नहीं रखी गई हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज है वो अभी भी अस्पताल में चालू है, जिन लोगों को जो भी इमरजेंसी है
इमरजेंसी आप लोग जैसे देख ही सकते हैं चालू है, यहाँ पे मरीज आ भी रहे हैं, जिन लोगों को इमरजेंसी जरूरत है उन लोगों का देख लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमें सरकार को ये भी बनाना जरूरी है कि जो हमारे साथ हुआ, जो लड़की के साथ हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। इसलिए आईएमए की तरफ से हम लोग आज जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उसको बंद किया गया है, एसेंशियल सर्विसेज अभी भी चालू है ताकि मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। एक महिला डॉक्टर जो अपने कार्यस्थल पर थी, जो ऑन ड्यूटी थी 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद, उनके साथ इस तरीके की दरिंदगी की गई, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? सोचिए ना, एक अस्पताल जो हमको लगता है कि कलकत्ता के अंदर सबसे सेफेस्ट ऑफ द जगह है, जहाँ पे इस तरह का दरिंदगी घट सकता है, तो आप सोच सकती है कि वेस्ट बंगाल में कोई महिला कहाँ सुरक्षित है। मैं इस जो हीनस एक्ट है उसको कंडेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो कल्प्रिट्स है वो जल्दी से जल्दी सामने आए और उनको किसी भी तरह का पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना मिले, वो जल्दी से जल्दी बुक्ड हो। और आई ऑलवेज डिमांड अ क्रिमिनल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट फॉर ऑल दिस कल्प्रिट्स हु आर इन्वॉल्वड इन दिस केस। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टर्स की एक ही यहाँ पर जो है उम्मीद है कि उस डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिले, और जिस तरीके से ऐसी एक दरिंदगी सामने आई है, ऐसी घटना आगे और कभी ना दोहराई जाए, इसको लेकर जो है आज जो आईएमए के द्वारा 24 घंटे बंद का आह्वान किया गया है उसको सफल बनाने के लिए यहाँ पर जो है बड़े डॉक्टर भी इस बंद में शामिल हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मैं डॉक्टर रंजन पॉल चौधरी हूँ। तो क्या कहेंगे आज जो बंद किया गया है आईएमए के द्वारा? देखिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, हम लोग जो प्रोफेशनल, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस अर्थ। हम लोग के ऊपर सेफ्टी नहीं है तो फिर हम कैसे आराम से काम करेंगे, हम अपना मस्तिष्क कैसे ठीक रखेंगे? क्योंकि ये जो जॉब है ये अपना दिमाग को ठंडा रख के काम करना चाहिए। मैं प्रोफेशनल सर्जन हूँ, ठीक है ना, तो हम लोग को सेफ्टी नहीं है, तो इस प्रकार से, इस अतलुलुस से अगर किया जाए तो नेचुरली आज देखिए, आज खाली सिलीगुड़ी में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं, सारा दिन यूएसए से लेके, जर्मनी से लेके, हर मुल्क में ये जो हुआ है उसका निंदा किया जा रहा है। कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन है? अपना ही लोग है, बट उनको सबक सिखाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। सब हम एकजुट है, जब तक हम दोषी को दोष ये नहीं कर सके तो हम लोग कभी ये पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है अगले बार भूख हड़ताल हो, वो भी होगा, आगे बहुत कुछ हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है हमारा जो संगठन है जो डिसाइड करेंगे, हम लोग उस पे जाएंगे। इंडिया में जिस तरीके से महिलाएं असुरक्षित है हर जगह, जहां पे ऑन ड्यूटी एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी हैवानियत और इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, वो भी एक रहा, और ये इस तरीके की घटनाएं पहले भी कई बार देखी जा चुकी है, क्या इस बार जो है इसको न्याय मिलेगा, इस घटना में न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, जब सीबीआई तक गया है, जब सारा मुल्क, खाली इंडिया नहीं, सारा फॉरेन कंट्रीज में भी ये फैल चुका है, इनको मालूम बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये हमको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा भाई, आगे ऐसा लोग करने के लिए सोचेंगे, भाई ये करोगे तो इसका उपाय ऐसे होगा, तो बिल्कुल न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। ऊपर वाला है, भगवान है, सब लोग हैं, हम लोग सब उनके पीछे हैं, बिल्कुल न्याय होना चाहिए और होगा भी। आज डॉक्टर मोमिना देवनाथ के लिए आप लोग जस्टिस के लिए 24 घंटे बंद का आह्वान किए, इसके साथ ही आगे भी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ रूल आना चाहिए, इसको लेके क्या? देखिए, रूल तो बहुत कुछ है, अगर डॉक्टर अगेंस्ट में कुछ किया है वो किया है, सब रूल सब हॉस्पिटल में टंगा हुआ है, लेकिन जो प्रशासन है वो ठीक से स्टेप नहीं लेते हैं। चाहे जो भी हो, आपने सुने होंगे कितना जगह में झगड़ा होता है, हॉस्पिटल तोड़फाड़ कर देता है, लेकिन जो उचित जो नियम बनाए हैं लोगों ने वो नियम पालन नहीं होता है, इसीलिए हम कभी भी सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। इसके लिए प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर आपने रूल बनाए तो उसको ठीक से फॉलो करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे आज? देखिए, क्या है ना, सबने सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन बात यह है कि हॉस्पिटल हमारा एक मंदिर है, आज मंदिर के अंदर ये हैवानियत हो गई, इससे ये सिर्फ डॉक्टर, वो महिला डॉक्टर थी, वो लड़की डॉक्टर थी बोल के नहीं, ये एक हर नारी के लिए एक बहुत बड़ा एक काला धब्बा है। हाँ, हर एक नारी को इसके लिए खड़ा होना चाहिए और
हम डॉक्टर हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल हमारा एक मंदिर है, इसमें इतनी बड़ी हैवानियत हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और आज हम सब एकजुट हुए हैं इसी चीज का विरोध करने के लिए। हम चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इस पर एक स्टेप ले, हमें एक रिजल्ट दे और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़े। आज कौन कौन सी सेवाएं बंद करके रखी गई है और कौन कौन सी सेवाएं एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सारी सेवाएं बंद है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो है सभी डॉक्टर, जो सभी बड़े डॉक्टर सर्जन थे, सभी आज इस बंद में शामिल हुए। 24 घंटे बंद का आह्वान किया गया है। उस बंद के समर्थन में आज सिलीगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहां पर जो है डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। यहां पर शांति ढंग से जो है बंद का आह्वान किया गया। 24 घंटे जो आईएमए के द्वारा बंद बुलाया गया है उसको लेकर आज हमने सभी डॉक्टरों से बात की। हम आपको बता दें कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो अभी भी लगातार जारी है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। इसके अलावा जितने भी और विभाग है, अन्य विभाग है, बाह्य जो रोगी यहां पे आ रहे हैं उनको आज इलाज नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें आज घूमकर जाना पड़ रहा है। तो हम इस बारे में चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा है सिर्फ वही यहां आज हॉस्पिटल में दी जा रही है और अन्य सेवाएं को आज बंद रखा गया है। तो ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। डॉक्टर मोमिता देवनाथ से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हुई है वो सब आपको जितनी भी जानकारी होंगी वो भी देंगे। इसके साथ ही हम ये सवाल भी करेंगे कि आखिर स्वतंत्रता दिवस के बाद भी क्यों महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, जहां पर एक जो है पुरुष, एक व्यक्ति, एक लड़का जैसे रास्ते पे घूम सकता है अकेले, वहां पे क्यों एक महिला, क्यों एक लड़की क्यों नहीं अकेले जा सकती, ऑन ड्यूटी क्यों उसके साथ इस तरीके की हैवानियत हुई, क्यों सरकार इस पर चुप है, क्यों इस पे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिल रहा, क्यों इस पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन मार्च करने की जरूरत पड़ रही है, इसके जो आरोपी है इसके पीछे उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, यही उम्मीद के साथ हम तमाम जानकारी और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख, अरु थुप्रे आकर्षक पुरस्कार हरू, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 24 अगस्त, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपना हरुमा भरो रंग डियर राखी बम्पर का संग। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित, हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। गणपति द्वारिका गैलेरिया अब सिलीगुड़ीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईँले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरिसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस् गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोर, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस, क्या विश्वास करेंगे, दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है, साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रूपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोर, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।